हरियाणा रोडवेज की लापरवाही उस वक्त उजागर हो गई जब हरियाणा रोडवेज की बस बगैर चालक के ही वर्कशॉप से बाहर आ गई। गनीमत रही कि इस बस में कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि सामने एसडीएम साहब का निवास स्थान है। बस यहां आकर गेट से टकराने के बाद रुक गई। बस की गति बिल्कुल धीमी थी वरना गेट को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर सकती थी। शाम का समय होने के कारण रोड पर ट्रैफिक भी कम था जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों की सांसें जब तक अटकी रहीं जब तक कि बस गेट से टकराकर रुक नहीं गई। लोगों का कहना है कि इस बस में कोई भी चालक नहीं था। यह अपने आप ही रोडवेज वर्कशॉप से निकलकर रोड पर आ गई और सामने बने एसडीएम निवास के गेट से जा टकराई। वर्कशॉप से कुछ कर्मचारी बस को देखने के जरूर आए लेकिन वो कुछ किए बगैर ही वापस लौट गए। जब इस संबंध में रोडवेज अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कैसे पहुंची? गाड़ी में स्टार्ट कर दी, पता कैसे गियर लगा कैसे नहीं लगा, अंदर से धीरे धीरे चल के आ गई। और यहाँ पे कोई रोड पे कोई भीड़ भड़कता नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था, बचाव हो गया। वर्कशॉप में से अपने आप निकल के आई है बस, अपने आप निकल के आई। कोई ड्राइवर नहीं था? कोई ड्राइवर नहीं था। किसी को कोई चोट आई? कोई चोट नहीं, किसी को ट्रैफिक नहीं था, आगे पड़ा था रोड, बचाव हो गया, बहुत ज्यादा बचाव। तीनों धीरे धीरे अंदर से आ रही थी, सीधी आके हमने ब्रेक मारेगा, कोई भी नहीं था, आगे रुक के पेड़ से टकराई, पेड़ से टकराने के बाद ही सीधी आके यहाँ पे रुक गई। ड्राइवर नहीं था इसमें? कोई भी नहीं था, बिना ड्राइवर के अपने आप आई है? अपने आप। कब की घटना है? अभी 5 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले की है। कोई आया अधिकारी यहाँ अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आया जी, वर्क साहब वाले आए थे, वो देख के चले गए। कोई चोट वगैरह किसी को? किसी को कोई हाथ नहीं है, कोई बचाव हो गया।